my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to second part of allergy. So in today's video we are going to read about treatment of allergy. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया है अबाउट सिम्टम्स, एलर्जिक रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ एलर्जी एंड मैनी मोर थिंग्स. सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी. मीन्स अगर कोई भी पर्सन को कोई भी पर्टिकुलर टाइप का एलर्जी होता है तो किस किस टाइप का ट्रीटमेंट उसको हम दे सकते हैं. सबसे पहला जो ट्रीटमेंट यहाँ पर है दैट इज एंटी हिस्टामाइन्स. ओके, सो एंटी हिस्टामाइन्स क्या होता है? मेनली ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हाइव्स को प्रिवेंट करते हैं. अब हाइव्स का मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है अबाउट हाइव्स. हाइव्स का मतलब एक टाइप का ये स्किन रैश होता है. ओके, तो अगर बाय चांस किसी को एलर्जी की वजह से स्किन रैश हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एंटी हिस्टामाइन देते हैं. हम लोग क्या, डॉक्टर उनको रिकमेंड करेंगे एंटी हिस्टामाइन. सो एंटी हिस्टामाइन्स प्रिवेंट हाइव्स बाय ब्लॉकिंग हिस्टामाइन्स रिसेप्टर्स सो अवर बॉडी डज नॉट रिएक्ट टू द एलर्जेंस. मीन्स एंटी हिस्टामाइन्स देने से क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो एलर्जेंस की तरफ रिएक्ट नहीं करता है और हम लोगों के बॉडी में सिम्टम्स देखने को फिर नहीं मिलता, या फिर अगर सिम्टम्स दिख रहा है तो वो थोड़ा कम हो जाएगा. सेकेंड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट होता है, उसका नाम है डीकंजेस्टेंट्स. सो डीकंजेस्टेंट्स होते हैं वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस जो कि यूज होते हैं टू क्लियर अ स्टफी नोज. अगर नाक एकदम जमा हुआ है तो उसको क्लियर करने के लिए हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ सीजनल एलर्जी. मीन्स सीजनल एलर्जी जो सीजन वाइज होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये सब्सटेंस को यूज, ये केमिकल को यूज कर सकते हैं. नाउ थर्ड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज, यहाँ पर तो बच्चों देखो दो नाम है, फर्स्ट वन इज ब्रोंकोडायलेटर्स एंड सेकंड वन इज स्टीरॉयड्स. तो ये दोनों ना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक और जगह इसको लाइक मेंशन्ड है ये लास्ट में एकदम. सो ब्रोंकोडायलेटर्स एक ऐसा चीज होता है जो कि चेस्ट टाइटनेस, बहुत जगह देखना ऐसे बहुत केसेस होते हैं एलर्जी में जिसमें ना पर्सन का एकदम चेस्ट एकदम टाइट उसको फील होता है एंड वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है. जब वो सांस लेता है तो उसको वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है. तो ये जो ब्रोंकोडायलेटर्स है ये लोग इंस्टेंट रिलीफ देते हैं बच्चों चेस्ट पेन से, चेस्ट पेन भी नहीं बोलना चाहिए, चेस्ट टाइटनेस से. ओके, एंड मतलब रिलीफ फील करवाएंगे ये लोग, बोलने का मतलब यही है. एंड जो स्टीरॉयड्स होता है, स्टीरॉयड्स मेनली क्या करते हैं, वो लोग इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं. मीन्स हम लोग के लंग्स के अंदर में जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकियल्स का नाम दिया है, वहां पर जब इन्फ्लेमेशन होता है मीन्स अंदर में जब जलन होती है, बहुत सारी देखो प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ना हम लोग का जो रेस्पिरेटरी पार्ट है अंदर में लंग्स के अंदर के जितने भी पार्ट्स है वहां पर ना प्रॉब्लम आ सकती है. तो उस चीजों को रिड्यूस करने के लिए, वो सब प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग वहां पर स्टीरॉयड्स को यूज करते हैं. तो ये भी एक टाइप का ट्रीटमेंट है जो कि एलर्जी के केस में होता है. नेक्स्ट है बच्चों क्रीम एंड लोशन. तो यस, क्रीम एंड लोशन भी है. ऐसा बहुत सारा केसेस होता है एलर्जी में जिसमें बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक स्किन रैश हो गया है या बहुत इचिंग हो रही है, तो वहां पर हम क्रीम्स एंड लोशन यूज कर सकते हैं. तो क्रीम्स एंड लोशन क्या करते हैं, स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं, रेडनेस को रिड्यूस करते हैं. अगर स्किन एकदम रेड हो गई है तो उसको एकदम वो लोग रेडनेस को कम कर देते हैं, इचिंग को लोग कम करते हैं, वरना एलर्जी में तो इंसान पागल हो जाता है ना. तो ये सब थे कुछ ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी. तो इसको आप लोगों को याद रखना है बिकॉज ये क्वेश्चंस पूछा जाता है. अभी वी विल डिस्कस अबाउट सम कॉमन एलर्जीज. क्योंकि ऐसा मतलब इंडिया में, मेनली इंडिया का ही बात मैं करूंगी, यहाँ पर कॉमन एलर्जीज क्या क्या होते हैं. ठीक है, मतलब इतना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वेदर है यहाँ पर, देखो अलग अलग जगह है तो अलग अलग टाइप के एलर्जीज भी होते हैं. तो बहुत सारे एलर्जीज में से ऐसी कुछ कॉमन एलर्जीज है जो हम लोगों को यहाँ पर हो सकता है और होता भी है. सबसे पहला है बच्चों हे फीवर. सो सबसे पहला जो यहाँ पर कॉमन एलर्जी का नाम है दैट इज हे फीवर. अब ये जो हे फीवर है इसको हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस भी बोल सकते हैं. हे फीवर को हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस भी बोल सकते हैं. ओके, नाम इसका एक और है तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. एंड ये होता है बच्चों खेत में. अब हे का मतलब क्या है एक्चुअल में, वो हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं साइड में यहाँ पर फोटो दे रही हूँ उसका, आप लोग उसको देखिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा. हे फील्ड्स में मेनली क्या होता है ना, पॉलन ग्रेन्स काफी उड़ते हैं जब उनका सीजन रहता है, तो वहां पर पॉलन ग्रेन्स काफी, वहां पर क्या बोलते हैं उसको,
उड़ते हैं वहां पर. ओके, सो इट इज मेनली कॉज्ड बाय पॉलन ग्रेन्स इन हे फील्ड्स. अब पॉलन ग्रेन्स है ना बच्चों, कुछ कुछ लोगों को काफी प्रॉब्लम होता है, काफी मतलब एकदम स्नीज करने लग जाएंगे और उनके बॉडी में ना सिम्टम्स देखने को मिल जाएगा. किसी के नाक से पानी बहने लग जाएगा, किसी का इची आईज, स्किन एकदम रेड हो जाएगा, किसी को एकदम छींक पे छींक आएगा, लाइक ये सब होता है. किसी को सांस लेने में दिक्कत, तो मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं कि यस, उस पर्सन को ये एलर्जी है. ओके, हे फीवर हम लोग बोल सकते हैं. सो हे फीवर एक टाइप का एलर्जी है विच इज कॉज्ड बाय पॉलन ग्रेन्स, जो कि किससे होता है, पॉलन ग्रेन से होता है. एंड देखो, ये हे फीवर पॉलन ग्रेन से सिर्फ नहीं होता है, ये ना पेट एनिमल्स के हेयर्स से भी हो सकता है. यस, होता है. पेट एनिमल्स के जो एकदम छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उससे भी होता है. डस्ट से भी बहुत जन को होता है एलर्जी. माइट्स, मोल्ड्स, मतलब ये सब चीजों से हो सकता है. हे फीवर इज ऑल्सो नोन एज एलर्जिक राइनिटिस, तो आप लोगों को ये नाम भी याद रखना है. अब क्या क्या सिम्टम्स है, तो रनी नोज है, मतलब नाक से पानी बहना, इची आईज, स्किन, सोर थ्रोट, कफिंग, स्टफी नोज ड्यू टू नेसल ब्लॉकेज, पर नाक जाम हो जाएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिक्रीज्ड सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, नाक से मतलब स्मेल भी आपको नहीं पता चलेगा, आप लोगों को टेस्ट का पता नहीं चलेगा, जस्ट लाइक कोरोना है ना, मतलब जस्ट किडिंग, मतलब उसमें ऐसा होता है ना कि लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, तो यहाँ भी थोड़ा सा कम लगेगा. अस्थमा कम में भी दिक्कत आ सकता है, लाइक अस्थमा भी हो सकता है, चांसेस होते हैं. सो अगर किसी को है तो थोड़ा ध्यान से, अगर इस टाइप के एरिया से क्रॉस कर रहे हो तो कवर ओवर करके निकलना चाहिए. इसलिए तो आप लोगों को हम लोग ये सब चीजें बता रहे हैं, बिकॉज अगर नहीं पता होगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है. और अगर आप लोगों को पहले से पता हो रहा होगा कि हम लोगों को ये सब एलर्जी है, तो आप लोग पहले से प्रिकॉशन ले लोगे. अगर उस एरिया से कभी क्रॉस करते हो, पेट एनिमल्स के पास हो, अगर घर में कोई पेट एनिमल है, बेटर रखो मत, लेकिन अगर रखे हो तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए, बस वही है. नाउ डस्ट एलर्जी. अब बच्चों है डस्ट एलर्जी, तो डस्ट एलर्जी मतलब ऑब्वियसली डस्ट से एलर्जी जो होता है ना, बहुत जन को होता है डस्ट से एलर्जी. ये तो बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा. सो इट कैन समटाइम्स कॉज सिम्टम्स ऑफ अस्थमा. यस, डस्ट का एलर्जी से तो सिम्टम्स ऑफ अस्थमा हो सकता है. वीजिंग, कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, देखो ये सब हो दिखता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत है, कफिंग, वीजिंग, ये सब होगा. एंड इट कैन बी कॉज बाय डस्ट अलोन और बाय माइट और कॉकरोच एक्सक्रीटा और हेयर्स ऑफ एनिमल्स. मतलब डस्ट से तो होता ही है, लेकिन माइट से भी हो सकता है, कॉकरोच का एक्सक्रीटा. एक्सक्रीटा मतलब होता है बच्चों बॉडी का वेस्ट. ओके, तो कॉकरोच का वेस्ट, तो जो उससे भी ये एलर्जी हो सकता है इस टाइप का. हेयर्स ऑफ एनिमल्स, ये सबसे होता है. अच्छा, अगर किसी को इस टाइप से एलर्जी है, चलो डस्ट का ही एलर्जी का नाम मैं ले रही हूँ, ठीक है, तो कैसे सिम्टम्स दिखेगा? बाय चांस आप लोगों को डस्टी एरिया में गए, या फिर घर में एकदम दिवाली का साफ सफाई हो रहा है, उस समय तो कितना डस्ट उड़ता है ना, तो उस समय हम लोगों को अगर बाय चांस डस्ट से एलर्जी है तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा? सडनली हम लोगों को अपना रनी नोज फील होगा, स्टफी नोज फील होगा, वॉटरी आई, रेड इची आई, स्नीजिंग वहां पर होगा, वीजिंग, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब ये सब चीज में दिक्कत आ जाएगी, इतने सारा प्रॉब्लम होगा, तो बड़ा दिक्कत है ना. जब सफाई होगा तो फुर्र हो जाना, वो बेटर है. ओके, देखो अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एलर्जी जो है दैट इज नेटल रैश. नेटल रैश बड़ा नाम है, न्यू नेम है, उसको हम लोग हाइव्स भी बोल सकते हैं. एक टाइप का स्किन रैश होता है बच्चों, ठीक है, हाइव्स भी बोल सकते हैं. सो इसका एक और नाम है अर्टिकेरिया. अब देखो बच्चों इसमें होता क्या है. सो सबसे पहले ये जो एलर्जी है विच इज कॉज्ड बाय सर्टेन फूड आइटम, मेडिसिन और कॉस्मेटिक, मतलब ये जो एलर्जी है ना, ये मेनली कुछ खाने के फूड आइटम से भी हो सकता है, मीन्स खाने के आइटम से, मेडिसिन से भी किसी किसी को हो सकता है, एंड कॉस्मेटिक से भी हो सकता है, मेकअप प्रोडक्ट्स, है ना. इसमें क्या होगा, बाई चांस आपने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स लगाया जिसकी वजह से आपके स्किन में एकदम इची बम्स हो गए, मतलब एकदम फूल गए, एकदम इची, एकदम रैशेस टाइप हो गए, तो मतलब ये जो हाइव्स या नेटल रैश है उसमें लाइक ये सब सिम्टम्स देखने को मिलता है. मेनली स्किन रैश से ही रिलेटेड है ये, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं है. सेकंड नेक्स्ट वन इज एक्जिमा. एक्जिमा को डर्माटाइटिस भी बोलते हैं. ये एक टाइप का स्किन एलर्जी है बच्चों. ऑब्वियसली स्किन एलर्जी बहुत जन को यहाँ पर ये जो हमारे जो नेल्स है ना उसके यहाँ पास पास में यहाँ पर ज्यादा होता है ये चीजें, मतलब मैंने तो यहाँ पर मेनली इस साइड में ज्यादा देखा है इस चीज को. ओके, तो एक टाइप का ये स्किन एलर्जी है. इचिंग लीडिंग टू रेडनेस, मतलब यहाँ पर ऐसा है ना कि अगर ये किसी को होगा ये वाला एलर्जी, तो मतलब पहले इचिंग होगा, उसके बाद एकदम रेड हो जाता है, हाँ एकदम बम्स जैसे भी हो जाते हैं स्किन के चारों तरफ में, एकदम रेड रेड बम्स जैसे भी हो जाते हैं, एकदम इचिंग हो जाते हैं वहां पर उस एरिया में. एंड ये कैसे हो सकता है,
ये ना वॉशिंग पाउडर से होता है, किसी किसी को कॉस्मेटिक से होता है, किसी किसी को साबुन से होता है. यस मतलब मेरी एक फ्रेंड है जिसको वॉशिंग पाउडर से है. ओके मतलब वो कभी भी अगर मतलब एक पर्टिकुलर इंसान अगर वॉशिंग पाउडर यूज कर रहा है, अगर उसको इससे एलर्जी है तो उसके पूरे हाथ में रेडनेस और इचिंग हो जाएंगे. मतलब ये सब जो पोर्शन है, ये सब पोर्शन यहाँ पर हर जगह एकदम इचिंग एज वेल एज रेडनेस बर्न्स ऐसे हो जाते हैं. एंड चीप डाइज यूज करने से भी एक्जिमा का प्रॉब्लम देखने को मिलता है. तो होता है बच्चों, किसी किसी को होता है ये सब चीजें. जिसको होता है उसको होता है, जिसको नहीं है उसके लिए बढ़िया है ना. नेक्स्ट एलर्जी है वो है इंसेक्ट बाइट एलर्जी. अब इंसेक्ट बाइट एलर्जी भी होता है. इंसेक्ट बाइट में क्या समझना है, तो इजी है एकदम. अभी देखो इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर में एकदम पॉइजनस वेनम होता है, जहर होता है ना. जब वो लोग हम लोगों को काटते हैं तो अपना वो केमिकल हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं. उसी की वजह से हम लोगों की बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिलता है. क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, अगर बाई चांस मैं अगर बात करूं कोई भी इंसेक्ट जो हम लोगों को काट दिया, जैसे कि मक्खी काट दी है ना, तो मक्खी काटेगी तो क्या होगा, उस एरिया में रेडनेस हो जाएगा. कॉमन सा बात है बच्चों, इसको तो आप लोग अपने आप से लिख सकते हो. अब उस एरिया में रेडनेस हो जाएगा, रेडनेस के साथ साथ स्वेलिंग हो जाएगा. ओके स्वेलिंग हो जाएगा, रेडनेस, रैशेस, इचिंग, अलग अलग केसेस में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलता है. तो ये वेरी करता है, ठीक है. अब आया लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट अस्थमा. वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो बच्चों, अस्थमा का एकदम लंबा चौड़ा दिया है बुक में, तो उसको एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना है. अस्थमा एक बहुत ही क्या बोलूँ मैं, प्रॉब्लमेटिक बीमारी है, एक टाइप का एलर्जी है ये, ठीक है ना. प्रॉब्लमेटिक है, देखो जिसको है ना उनको पता है कि ये है क्या. अब हम लोगों को है नहीं तो हम लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं लाइक ऐसे ही. पर जिनको पता है ना, दे कैन फील कि यस इसमें कितना प्रॉब्लम्स आता है. सो ये एक लॉन्ग टर्म लंग्स डिजीज है. अस्थमा में एक्चुअली क्या है ना, लंग्स को अफेक्ट करता है अस्थमा. ये लॉन्ग टर्म लंग्स को अफेक्ट करता है, मीन्स ये एक लॉन्ग टर्म लंग्स डिजीज है अस्थमा, जिसमें एयर पैसेज इन द लंग्स स्वेल. मतलब जैसे कि बाई चांस ये अगर हमारा लंग्स है, बाई चांस ये अगर हमारा लंग्स हो गया, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है. तो यहां पर जो एयर पैसेज होता है ना, लाइक हवा के जाने का जो रास्ता है, वो रास्ता जो है, क्योंकि लंग्स के अंदर तक तो एयर जाता है बच्चों, ये तो आप लोगों को पता है. तो अस्थमा में क्या होता है ना, जिस रास्ते से हवा जाता है लंग्स के अंदर में, वो एरिया ना थोड़ा फूल जाता है और ना मतलब थोड़ा सा पतला हो जाता है. मीन्स प्रॉपर जैसा होना चाहिए ना वो रास्ता हवा को क्रॉस करवाने के लिए, वो अब वैसा नहीं रहता है. द स्किन दैट लाइंस द एयर पैसेज स्वेल. यहाँ पर जो एरिया है जहां से हवा पास करेगा, वो एरिया, वो जो स्किन है वो थोड़ा फूल जाता है और वहां से ना म्यूकस निकलते हैं. म्यूकस मतलब एक टाइप का लिक्विड टाइप कुछ निकलता है वहां से. सो सांस लेने में ना इंसान को बहुत दिक्कत आती है. अब हम लोग नॉर्मल है तो हम लोगों के बॉडी में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आराम से ब्रीदिंग कर रहे हैं. बट अगर किसी को अस्थमा होता है तो एयर ट्रैवल जहां से करेगा, एयर का आने जाने का जो पैसेज है लंग्स के अंदर का, वो पैसेज में ही गड़बड़ी हो गया है. क्या हो गया है, वो रास्ता थोड़ा फूल गया है अंदर का एरिया, देन वहां से म्यूकस निकल रहा है, तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हर किसी को, मीन्स जिसको अस्थमा है ना. अच्छा इसका कॉजेस क्या होता है अस्थमा का, सबसे पहला तो ये हेरिडिटी होता है. हेरिडिटी का मतलब होता है बच्चों, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ही आएगा. मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, विरासत में मिलेगा है ना, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आएगा. सेकेंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. यस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जैसे कि नोज हो गया, उसके बाद हम लोगों का जो फेरिंग्स वेरिंग्स होता है, देन ट्रैकिया, विंड पाइप, जो भी है, मतलब लंग्स, मतलब उस एरिया में अगर कहीं पर इन्फेक्शन होता है तो चांसेस होते हैं कि यस अस्थमा हो सकता है अगर हम केयर नहीं लेंगे. देन बहुत जन टबैको लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, स्मोक, मतलब स्मोक इन द सेंस स्मोकिंग से भी बहुत जन को हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स की वजह से भी होता है बहुत जन को. ऐसा नहीं कि पॉलन ग्रेन्स खाते हैं, बोलने का मतलब है पॉलन ग्रेन्स की एलर्जी की वजह से हो सकता है, डस्ट की एलर्जी की वजह से अस्थमा भी हो सकता है, माइट्स, मतलब ये सब की वजह से हो सकता है. देन कोल्ड एंड कफ की वजह से भी होने का चांस होता है, तो ये चीज को थोड़ा ध्यान देना है. और ना इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि अस्थमा को डिफाइन करो एंड उसका कॉजेज अलग से बताओ, सिम्टम्स बताओ, तो वो सब थोड़ा सा ध्यान देना है. नाउ सिम्टम्स ऑफ अस्थमा. ओके सो नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ अस्थमा. अस्थमा का सिम्टम्स क्या होता है, देखो अगर किसी को अस्थमा है तो उनको ज्यादा पता होगा, अगर किसी को है तो वो लोग एक्स्ट्रा लिख सकते हो. देखो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सिम्टम्स होगा तो. बट अकॉर्डिंग टू द बुक क्या क्या सिम्टम्स है, चलो उसको हम लोग देखते हैं. देखो अस्थमा होने से ना मेनली परसिस्टेंस कफिंग होता है, मतलब कफिंग बहुत ज्यादा ही होता है. एंड वो कफिंग स्पेशली रात के समय एंड अर्ली इन द मॉर्निंग को ज्यादा ही मतलब इंसान को होता है. ठीक है कफिंग होगा बट ज्यादा कहाँ पर होगा, नाइट एंड अर्ली इन द मॉर्निंग. देन वीजिंग वाइल ब्रीदिंग, सांस लेने के समय ना थोड़ा सा वो आवाज निकलता है. वीजिंग का मतलब ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर चुकी हूँ.
है ना। सो वीजिंग वाइल ब्रीदिंग देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में ना मतलब अच्छे से सांस लेने नहीं होता है, मतलब जैसे कि एग्जांपल इंसान ना ढंग से सांस भी ले नहीं पाएगा, जैसे कि अगर कोई बच्चा को इंटरेस्ट भी होगा ना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का, तो वो उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगा बिकॉज सांस फूल जाएगा उसका। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब ऐसी सांस फूल जाना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, मतलब ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। तो सही नहीं रहता ये सब चीज़ें, बड़ा दिक्कत होता है ना, दिक्कत तो होता है, क्या कर सकते हैं। देन डायग्नोसिस, सो हम लोग इसको कैसे डायग्नोस करेंगे, सो इट कैन बी डायग्नोस विद द हेल्प ऑफ सर्टन टेस्ट। डॉक्टर क्या करते हैं, सर्टन टेस्ट करते हैं, जैसे कि लंग्स फंक्शन टेस्ट होता है, अलग अलग टेस्ट होता है बच्चों, ये सब न्यू है एकदम। एक होता है लंग्स फंक्शन टेस्ट, ओके, एक होता है एलर्जी टेस्ट, एक होता है चेस्ट एक्सरे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चों देखो टेस्ट होते हैं, तो उस हिसाब से डॉक्टर भी पता कर लेता है कि सामने वाले इंसान को अस्थमा है कि नहीं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अभी इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है देखो, सबसे पहले इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट एंड कंट्रोल करेंगे, अगर किसी को जैसे कि बाय चांस अगर मैं अपना बात करूं, अगर मुझे अस्थमा है ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि किस चीज़ की वजह से भाई मुझे ये चीज़ें हो रही है। तो वी शुड नो अबाउट द एलर्जेंस कॉजिंग अस्थमा, है कि नहीं, या फिर हम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर किसी को अस्थमा हो सकता है तो क्या क्या रीज़न है, ऐसे क्या क्या एलर्जेंस है जिसकी वजह से सामने वाला इंसान है किसी को भी अस्थमा हो सकता है। सो वी शुड नो द एलर्जेंस कॉजिंग अस्थमा, ये चीज पता होना चाहिए। अभी तक आप लोग इतना सारा चीज पढ़े हो, डस्ट का पढ़े हो, पॉलन ग्रेन का पढ़े हो, तो अभी तक आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि अस्थमा होने के लिए कौन कौन से एलर्जेंस रिस्पॉन्सिबल है ना। देन उसको हम लोग कैसे और कंट्रोल और प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बाय मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल हम लोगों को रखना चाहिए, अच्छे से एकदम एक्सरसाइज करना चाहिए, या योगा करो या वॉक पे जाओ, बट अपने आप को एकदम मेंटेन करके रखना चाहिए। मेंटेन करने का मतलब है बच्चों अपने आप को एकदम अच्छा, हेल्थ बढ़िया रखना चाहिए, बोलने का मतलब ये है। मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को मेकअप करके लेके बैठ जाओगे, दैट इज नॉट मेंटेन करना। मेंटेन करने का मतलब है हेल्दी लाइफस्टाइल, अपने आप को हेल्दी रखो। रेगुलर चेकअप इज इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स कंट्रोल, अगर किसी को अस्थमा है तो भाई रेगुलर चेकअप करवाओ, रेगुलर चेकअप, क्योंकि आप लोग रेगुलर चेकअप करवाओगे ना तो वो चीज़ कंट्रोल में रहेगी। अगर आप लोग उसको ढिल्ला में ले लोगे तो आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगा। वैसे ही अगर बाई चांस आपको पता है कि आपको अस्थमा है तो आप लोग अपना हेल्थ में पूरा ध्यान दो, डॉक्टर ने अगर आप लोगों को चलने बोला है, एक्सरसाइज करने बोला है, तो आप लोग वो चीज़ को करो। देन अगर डॉक्टर ने कुछ चीज़ मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया है तो यू शुड टेक मेडिसिन और वी शुड टेक मेडिसिन, है कि नहीं। और अगर ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि अगर आप लोगों को अस्थमा वाला सिम्टम्स दिख रहा है तो बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन तो लेना ही नहीं चाहिए। तो ये थे कुछ चीज़ें अबाउट द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अस्थमा। देन लास्ट बच्चों इसका है कि हम लोग इसको ट्रीट कैसे करेंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। तो देखो बच्चों ट्रीटमेंट के लिए बोल रहा है कि मेनली दो टाइप के ड्रग्स आते हैं इसके लिए, ओके, अस्थमा पेशेंट्स के लिए ना टू टाइप ऑफ ड्रग्स आते हैं, पहला है ब्रोंकोडायलेटर्स एंड दूसरा है स्टीरॉयड्स। फर्स्ट वन इज ब्रोंकोडायलेटर्स एंड सेकेंड वन इज स्टीरॉयड्स। ब्रोंकोडायलेटर्स जो होते हैं ये ऑलरेडी, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों स्टार्टिंग में, है ना, ये लोग क्या करते हैं इंस्टेंट रिलीफ देते हैं चेस्ट टाइटनेस से, वीजिंग साउंड से, क्योंकि इनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हम लोग के जो लंग्स के अंदर में जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उनको ये लोग रिलैक्स करते हैं, ठीक है। एंड स्टीरॉयड्स जो होते हैं ये लोग मेनली इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, तो ये लंग्स से ही रिलेटेड दवाई है, वहीं पर ये लोग रिलैक्स करेंगे उनको, ये लोग इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगे, मतलब हम लोगों का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां पर जो लंग्स है, लंग्स के अंदर के जो पार्ट्स हैं उनको ये लोग शांत करेंगे, बोलने का मतलब वही, अगर वहां पर कुछ प्रॉब्लम है तो वो लोग वहां पर उनको क्या करेंगे, उनको वो लोग ट्रीट करने में मदद करेंगे। तो ये था बच्चों ऑल अबाउट अस्थमा, और यहाँ पर होता है आप लोगों का एलर्जी चैप्टर खत्म। बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था, बोल के मैंने ट्राई किया कि जितना जल्दी हो सके इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूँ। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बच्चों जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।